बिहार के पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बिहार कैबिनेट में अब संतोष सुमन की जगह रत्नेश सदा लेंगे। रत्नेश सदा सहरसा जिले की सोनबरसा सीट से 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक 16 जून को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। रत्नेश सदा के पास मंत्री पद की शपथ लेने का लेटर पहुंच गया है। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके पिता लक्ष्मी सदा मजदूर रहे हैं। खुद रत्नेश सदा ने लंबे समय तक रिक्शा चलाया है। अब नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनकर विभाग चलाएंगे। मांझी के बेटे संतोष सुमन की जगह मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे रत्नेश सदा भी मुसहर समाज से आते हैं। बिहार की सियासत के जानकारों का मानना है कि जीतन राम मांझी से ज्यादा जनाधार रत्नेश सदा का है। रत्नेश सदा जेडीयू के उन नेताओं में से एक हैं जिन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरोसा करते हैं। यही वजह है कि रत्नेश सदा को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। रत्नेश सदा सरल स्वभाव के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। चुनाव आयोग में 2020 में दायर किए हलफनामे के अनुसार उनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। उन्होंने संस्कृत में आचार्य की डिग्री हासिल की है। इस वक्त वो 49 साल के हैं। हलफनामे के मुताबिक उनकी चल अचल संपत्ति 1.30 करोड़ है। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में रत्नेश सदा पर किसी तरह का कोई भी आपराधिक केस नहीं है। वे सहरसा जिले के कहरा कुट्टी वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। इस बीच मीडिया से बातचीत में रत्नेश सदा ने जीतन राम मांझी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जीतन राम मांझी ने कभी अपने समाज के लोगों के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने केवल अपने परिवार, अपने बेटे, अपने बहू और अपने दामाद के लिए राजनीति को जरिया बनाया है। रत्नेश ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर यह भी आरोप लगाया कि वह इस वक्त भी अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जीतन राम मांझी ने समाज की तरफ से कसम खाकर कहा था कि वह नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। पूरे मुसहर समाज ने नीतीश कुमार का साथ दिया। जीतन राम मांझी की कसम पूरी करने के लिए मुसहर समाज हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन आज समाज की तरफ से खाई हुई कसम को जीतन राम मांझी ने तोड़ दिया, जिससे मुसहर समाज कलंकित हुआ है। रत्नेश सदा के मुताबिक समाज का एक एक बच्चा यह जानता है कि नीतीश कुमार ने समाज में जिनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जीतन राम मांझी उस गरिमा का सम्मान नहीं कर सके और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में लग गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने केवल अपने परिवार के लोगों को ही लाभ पहुंचाया।